हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और तरक्की कीजिए। और अपना, अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट इन रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। इससे पहले हमने रिकॉर्डिंग थ्योरी के एक्सप्लेनेशंस के ऊपर, अजम्पशन के ऊपर और रीजंस देखे थे एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट के, तो आज हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। According to Ricardo, rent can be determined in three forms as, first is extensive cultivation, second is intensive cultivation, and third is situation of land. Now we will discuss first forms of rent determinations by Ricardo. Rent in extensive cultivation. Extensive cultivation refers to the farming system under which is order to increase the agricultural production, the area under cultivation is extended. तो इस तरीके से जो फार्मिंग होगी है वो कल्टिवेशन, जहाँ एक्सटेंसिव बोले तो विस्तृत खेती का जो रेफर्स होगी, फार्मिंग होगी, उस खेती की जाएगी, वो सिस्टम क्या किया जाएगा उस जगह किया जाएगा जहाँ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा और कल्टीवेशन जो होगी वो एक्सटेंड होगी। देयरफॉर अंडर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ लैंड। जो कल्टीवेशन, जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है, इसमें मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस, अगर ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे इन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ लैंड, तो हमें क्वांटिटी ऑफ लैंड इंक्रीज करनी पड़ेगी। To explain how rent arise, David Ricardo took the case of a newly developing island where land is far is in excess of what is required for the people living there. David Ricardo ने सबसे पहले एक ऐसी खेती ली थी और फ्रेश भूमि ली एकदम, जहाँ पहली बार न्यूली डेवलप एक आइलैंड लिया था, तो उस आइलैंड पर मतलब कि वहाँ कभी आज से पहले कभी खेती नहीं की गई थी, तो वहाँ जो ज़मीन है, लैंड है, उस पर पहली बार खेती की जाएगी। उस खेती में क्या होगी, वो पहली बार ज़मीन यूज होगी, तो उसकी जो फर्टिलाइजर जो कैपेसिटी होगी प्रोडक्शन की, वो ज़्यादा होगी। द फर्दर अज्यूम्ड दैट देयर एग्जिस्ट फोर टाइप्स ऑफ लैंड वाज ABCD। सम पीसेज ऑफ लैंड आर मोर फर्टाइल दैन अदर एंड सम एरिया आर मोर एडवांटेजियसली सिचुएटेड। वट टेकिंग ऑल द फैक्टर्स इन टू कंसिडरेशन, सपोज इज मोर फर्टिलाइज लैंड एंड BCD एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ ग्रेड ऑफ लैंड, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो इस ये अपन ने जिसकी वहाँ लैंड, उन्होंने चार लैंड ABCD ली, तो ए ज़्यादा फर्टिलाइल है बी से, बी ज़्यादा फर्टिलाइल है सी से, और सी ज़्यादा फर्टाइल है डी से। तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है उसके आधार पर इन्होंने अलग अलग चार, एक लैंड ली, उस लैंड के चार टुकड़े किए, चार अलग अलग लैंड लेके उन्होंने उस लैंड अलग ए नाम दिया, BCD इस तरीके से उनको टाइटल प्रदान किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल इन न्यूली सेटल्ड कंट्री विल कल्टिवेट फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट ग्रेड लाइक ए ग्रेड लैंड इन द न्यू कंट्री इन द इनिशियल स्टेज देयर विल बी सफिशियंट सप्लाई ऑफ ए ग्रे लैंड हेंस नो वन विल बी विलिंग टू पे एनीथिंग फॉर द यूज ऑफ लैंड। स्टार्टिंग में क्या होगा, ए लैंड जो पूरी तरह से बिल्कुल न्यूली है और जिसके प्रोडक्शन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है बिल्कुल, क्योंकि उसके आज तक उस ज़मीन पर खेती नहीं की गई, तो उसकी जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, फर्टाइल, ज़्यादा उपजाऊ होगी वो भूमि। रेंट विल नॉट कम टू इन एग्जिस्टिंग एट दिस स्टेज, प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस से वीट
will in the long run tend to equal to the marginal cost of production and no surplus will be left with the producer. No, with the increase in population, B grade land be brought under cultivator with the same quantity of labor and capital applied and with the same method of cultivation, B grade land will yield lower quality of produce. Let us suppose that with the investment of labor and capital worth ₹100, A grade land yields 120 quintals of wheat, whereas B grade lands which is less fertile and yield 19 quintals of wheat. Means देखो जब इन्होंने production किया same technology, same capital होगी, same ले homogeneous सब investment जो किया input किया है वो सारी चारों खेतियों में चारों के चारों जो land है उनमें A B C D सब में बराबर input किया है, लेकिन fertility ज़्यादा, A की fertility ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का प्रोडक्शन 120 क्विंटल होता है, बी की फर्टिलाइज जो कैपेसिटी है वो एक कम होने की स्थिति में उसी सेम पोर्शन में इन्वेस्टमेंट करने के बाद बावजूद भी 90 क्विंटल्स गेहूँ हुए, वीट हुए. इट मीन्स दैट 90 क्विंटल्स ऑफ वीट मस्ट सेल एट प्राइस एनेबलिंग द ओनर ऑफ बी ग्रेड लैंड ऑफ रिकवर द एक्सपेंडिचर ऑफ RS ₹100. Now the price of wheat in the market, whether rise from A grade land or B grade land, must be the same. It means that owners of A grade land will be left to be recover the cost of cultivation of wheat by selling only 90 quintals out of a total produce of 120 quintals. Thus they will be left the surplus of 30 quintals of wheat. So yahan jo surplus hoga 30 quintals ka, wo kya rahega hamara surplus rahega. ठीक है, 90 120 जो वीट क्विंटल जो वीट है और 90 क्विंटल जो वीट है उसमें से 120 में से 90 क्विंटल वीट लेस करने पर अपन को 30 क्विंटल वीट का सरप्लस रहेगा मार्केट में बेचने की स्थिति में. ठीक है, इट मेक्स नो डिफरेंस टू द कल्टीवेटर्स ऑफ लैंड वेदर द कल्टीवेट्स बी ग्रेड लैंड्स एंड गेट्स 30 quintals of wheat or a grade land from which he gets 120 quintals of wheat. If he say to pay a rent of 30 quintals to the owner of a grade land for the right to cultivate a grade land, जो 30 quintal जो वो surplus होगा वो rent होगा अपना. ठीक है, surplus जो होगा वो rent होगा अपना, और रेंट होगा क्योंकि हमें लैंड भूमि की जो मालिक है लैंड लॉर्ड है उसको हम 30 क्विंटल वीट जो होंगे उसको एज ए रेंट पे करेंगे. एज सून एज बी ग्रेड लैंड इज टेकन अप द कल्टीवेशन द ओनर ऑफ ए ग्रेड लैंड एंजॉय सरप्लस द सरप्लस कॉन्स्टिट्यूट द रेंट ऑन ए ग्रेड लैंड. ए ग्रेड लैंड के लिए क्या सरप्लस जो होगा ये जो लैंड लॉर्ड है उसके लिए एज ए रेंट होगा तो उसको वो एंजॉय करेगा. इफ हाउ एवर ओइंग टू ए फर्दर इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन द सप्लाई ऑफ बी ग्रेड लैंड इज एक्सीटेड इट विल बिकम नेसेसरी टू कल्टिवेट सी ग्रेड लैंड एज पर अवर सपोजिशंस अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल ₹100 विल बी इन्वेस्टेड इन इट सिंस सी ग्रेड लैंड इज इन्फीरियर टू बी ग्रेड लैंड देयरफॉर लेट it be suppose that C grade land will be yield only 60 quintals of wheat. तो C grade land में फिर हमने जब वापस से 100 वो 100 capital और labor का investment किया, investment बोल input डाला, तो input डालने की condition में हमने वापस से जब output हुआ तो output देखा 60 quintals of wheat हुआ केवल 60 quintals. तो 60 क्विंटल ऑफ बीट होने की कंडीशन में हम क्या देखते हैं, तो 60 क्विंटल जब बीट उत्पन्न हुआ अपने तो उस कंडीशन में अपन देखेंगे कि जो ए ग्रेड जो लैंड थी उसमें 100 क्विंटल्स 120 क्विंटल्स बीट हुआ, बी ग्रेड में 90 क्विंटल्स हुआ, इधर 60 क्विंटल हुआ. तो अपन देखते हैं जब 60 क्विंटल्स बीट हुआ, नाउ वीट विल हैव टू बी सोल्ड एज सो मच प्राइज सोल्ड एट द एज much price as will cover recover the cost of cultivation of C grade land. It means owner of a B grades of land will
कम टू एंजॉय सरप्लस ऑफ 60 and 30 क्विंटल्स रेस्पेक्टिवली. इट कोर्स ऑफ टाइम डी ग्रेड लैंड विल ऑल्सो कम अंडर कल्टिवेशन. सपोज इट यील्ड इन 30 क्विंटल्स ओनली, इट विल रेज द सरप्लस और इकोनॉमी. यस, तो अपन अब डी सी के बाद अपन डी ग्रेड की बात करेंगे. सपोज इट यील्ड 30 yields only, degrades come under cultivation. Suppose it yield is 30 quintals only, it will raise the surplus or economic rent of A, B, C grades of land. A grade land will get the maximum surplus and B and C grades of land will get a little less than A grade land over D grade land. D grade land does not enjoy any rent since it is the land in the margin or it is a marginal land. इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए टेबल. देखो जो अपन ने प्रोडक्शन किया है, पहले अपने रिकार्डो ने क्या एक नई एकदम न्यूली फ्लेश एकदम आईलैंड लिया. वहाँ उस आईलैंड में एक पार्ट लिया, जमीन का केवल लैंड का एक पार्ट लिया, जिसमें उसने पहली बार जब वीट उगाया 100 कैपिटल लगा के और लेबर लगा के जब प्रोडक्शन किया, उसने खेती करने स्टार्ट की, तो उस ए ग्रेड लैंड में 120 क्विंटल गेहूँ हुए. उसके बाद उन्होंने दोबारा देख दोबारा प्रोडक्शन दोबारा आउट खेती की और बी ग्रेड जब वो ए ग्रेड हो गई, उसके बाद बी ग्रेड अपने दोबारा उसी सेम खेती में प्रोडक्शन किया. फर्टिलाइजेशन के ऊपर देख रहे हैं अपन, क्योंकि पहले न्यूली फ्रेश थी तो भूमि की फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी थी वो अच्छी थी, उपजाऊ ज़्यादा उपजाई भूमि थी, तो दोबारा उसी खेती में प्रोडक्शन किया अपन ने, तो वो 90 क्विंटल ही प्रोडक्शन हुआ अपने पास. तो ये जो 30 क्विंटल्स का जो सरप्लस है ये रेंट होगा अपना लैंड के ऊपर. इसी तरीके से सी ग्रेड लैंड पे अपन ने जब खेती की तो 60 क्विंटल्स गेहूँ हुए, इसी तरीके से डी पे की तो 30 क्विंटल्स ही गेहूँ हुए. तो ये 30 जो सरप्लस था ये अपना रेंट होगा. तो देखो ए और बी के कंपेरिजन में देखें तो ए के लिए 90 जो क्विंटल्स होगा, देखो 120 माइनस 30 जो डी है ये अपना डी पे बिल्कुल कोई किसी तरीके का रेंट नहीं है, क्योंकि सरप्लस था वो 30 का ही था और 30 ही अपनी प्रोडक्शन हुआ, इसलिए उधर देयर इज नो रेंट. सी 60 क्विंटल्स गेहूँ हुआ और अपना सरप्लस 30 था, तो 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, मीन्स 30 जो क्विंटल गेहूँ हुआ वो रेंट है. तो बी की बात करूँ इस तरह 90 और 30 के बाद 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 जो है वो 60 क्विंटल्स वीट है वो रेंट होगा. और ए ग्रेड भूमि की बात करें अपन तो 120 माइनस 30 30 इक्वल टू 90 बोले तो 90 क्विंटल जो गेहूँ होगा वो अपना रेंट होगा. ओके बच्चों, रिमेंबर सुपीरियर लैंड अर्न ए सरप्लस इन आवर एग्जांपल डी. डी इज द लैंड हुज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जस्ट कवर बाई मार्केट प्राइस डज नॉट गेट एनी रेंट. इट इज़ द नो रेंट लैंड. मतलब जो डी है, डी पर किसी तरीके का भूमिहीन, मतलब वो लगान रहित भूमि है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड ए बी सी लैंड्स अर्न ए डिफरेंशियल सरप्लस. हियर इज शुड बी रिमेंबर दैट वैन ओनली ए वॉज कल्टिवेटेड इट वॉज नॉट ए नो रेंट लैंड. वैन बी वॉज बाउट अंडर कल्टिवेशन ए बिकम रेंट अर्निंग लैंड. सिमिलरली बी एंड सी बिकम रेंट अर्निंग लैंड ओनली वैन सी एंड डी ग्रेडेड ऑफ लैंड वे आर कल्टिवेटेड रेस्पेक्टली. दस द सरप्लस ऑफ द अर्लियर लैंड गोज एन इन इंक्रीजिंग. तो इसी तरीके से बी ए बी सी डी की अगर बात करें तो डी के कंपेरिजन में सी रेंट लगान वाली भूमि है और सी के कंपेरिजन में बी लगान ज़्यादा लगान वाली भूमि है और बी के कंपेरिजन में ए जो भूमि है वो ज़्यादा लगान वाली भूमि है. तो ये बात हुई अपनी ये रेंट इन एक्सटेंटिव कल्टीवेशन की बात की अपन ने. इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बच्चों. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे.